साथियों, आप लोगों की मांग पर आज हम विषय लेकर आए हैं दो गुणनफलों का अंतर। इसके पूर्व वीडियो में आपको बताए थे दो गुणनफलों का योग, तीन गुणनफलों का योग किस प्रकार से करते हैं। आज आप लोग जो कमेंट्स लिखे हैं कि सर दो गुणनफलों का अंतर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस विषय को आज हम लेकर आए हैं। आपकी जो भी परेशानी है उसको हम दूर करेंगे क्रमशः अगले वीडियो में। तो आज हम देखते हैं दो गुणनफलों का अंतर बहुत जल्द कम समय में कैसे ज्ञात करते हैं। हम प्रश्न ले लेते हैं 53 गुणित 42 ऋण 32 गुणित 12। अब यहाँ ये देखेंगे ये एक गुणनफल और दूसरा गुणनफल और दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे एक ही साथ एक ही समय में। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा वीडियो को और फिर कितना सरल है ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इकाई इकाई का गुणा करते हैं तो 3 × 6 हुआ और 6 में यहाँ ऋण का चिन्ह है 2 × 4। 6 में 4 को हम कम कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 2। साथियों ये समझ आता होगा, पहला स्टेप इकाई इकाई का गुणा करते हैं 3 × 6 और 2 × 4, 6 में से 4 कम कर दिए तो हमारे पास बचा कितना 2। सेकंड बार में क्या करते हैं, इकाई दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 किया 12 और 5 × 10, 12 और 10 22, 22 में से 2 × 1 = 2 और 3 × 6, 6 × 2 = 8, 22 में से 8 को कम करेंगे तो होता है 14, 14 का 4 हासिल 1। उसके बाद हम इकाई के अंकों को छोड़ देते हैं, फिर दहाई और दहाई का गुणा करते हैं। ध्यान रखिए 5 × 20 और 3 × 1 = 3, 20 में 3 कम कर देंगे तो होगा हमारे पास 17 और हाँ से 1 आया है इसको लिख देंगे 17 × 18। इस प्रकार से 1842 उत्तर आ गया। फिर हम इसी प्रकार से चार प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए 45 गुणित 34 ऋण 35 गुणित 14। दूसरा प्रश्न ले लिए, जब दो तीन प्रश्न जब हम हल कर लेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम किए थे इकाई इकाई का गुणा तो 5 × 20 और 5 × 20, 20 में 20 कम कर दिए कितना बचा 0। इकाई का हमको समझ आ गया, इकाई इकाई का गुणा कर दिए और 20 में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए उसको हम कम कर देते हैं। सेकंड बार में हम इकाई दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 × 15, 4 × 16, 15 और 16 होता है 1 × 3। अब यहाँ देखेंगे 5 × 5 और 3 × 12, 12 और 5 = 17, तो 31 में से हम 17 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 14, 14 का 4 हासिल 1। तीसरे बार में हम क्या करते हैं, हम दहाई दहाई का गुणा करते हैं। अब क्या करेंगे 4 × 12 और 3 × 3, 12 में 3 कम कर देंगे तो बचेगा 9 और 9 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10। कितना आसानी से उत्तर हमको प्राप्त होते जा रहा है। साथियों एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न ले लेता हूँ मैं, है ना, ले लेता हूँ 82 × 14 ऋण 13 × 22। इस प्रकार से प्रश्न ले लिए, इसको भी हम आसानी से कैसे हल करते हैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने दिया जा रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम इकाई इकाई का गुणा करते हैं तो 2 × 4 कितना हुआ 8 और 3 × 6, 8 में से 6 कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 2। उसी प्रकार से अब सेकंड बार में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब 8 × 32, 2 × 1 = 2, 32 × 2 = 34, 34 में से 3 × 6 और 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 8,
34 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 26 का 6 और हाथ की 2। अब उसके बाद तीसरे बार में क्या करते हैं, दहाई दहाई का गुणा करते हैं, तो 8 एकम 8 और 2 एकम 2, 8 में 2 कम कर देंगे तो वो बचेगा हमारे पास 6 और हासिल आया है 2, 6 और 2 8। इस प्रकार से हमारा 862 उत्तर प्राप्त हुआ। एक आज प्रश्न और देखते हैं, चलिए 73 × 67 अरे 34 × 14 कर देता हूँ, ठीक है। कोई प्रश्न आप अपने मन से उठाकर लिख लीजिए, अब फिर उसको अच्छे से बनाकर देखिएगा, जब बनते जाएगा बार बार अभ्यास से ये प्रश्न मौखिकरण हो जाता है, फिर प्रश्न मौखिक भी बनने लग जाता है। 21 में से 16 को कम करेंगे हमारे पास कितना बचेगा 5। इतना समझ आ गया। उसके बाद हम इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 × 49 और 6 × 18 49 में से 8 पहले जोड़ दो तो 57 हुआ और 57 × 67। उसी प्रकार से अब इसको गुणा करेंगे 4 × 12 और 4 × 16 4 × 4 तो 12 × 4 = 16 हुआ। 67 में 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 61, है ना। देखो 67 में 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 56, 51 का 1 यहाँ से 5। इसी को बराबर देख लेंगे, संख्या बड़ी हो गई है तो घटाने में तकलीफ ना हो। 67 × 49 = 36 18 × 49 = 59 × 59 = 8 70, है ना। अब उसके बाद 4 × 4 = 12 16 हुआ, 16 घटा देंगे तो 51 का 1 यहाँ से 5। अब इकाई इकाई के अंक को छोड़ करके हम दहाई का गुणा करते हैं, 6 × 7 = 42 और 45 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 50। इस प्रकार से हमारा 5015 उत्तर प्राप्त होता है। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो YouTube पर जाकर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।